हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पनीर की। और पनीर जो सबसे ज्यादा इंडिया का जो पॉपुलर मिल्क प्रोडक्ट है वो पनीर ही है। वहाँ घर पे और या बाहर हो, कहीं पर भी हो, पनीर के बिना तो हमारा मेन्यू कभी पूरा होता ही नहीं है। तो जरूरी है कि इससे जुड़ी कुछ खास बातें हम जान लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पनीर जो है वो हीट कोएगुलेशन प्रोसेस से बनता है, जिसको आप घर में बनाते, होटल्स में और कई बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है उसमें भी तैयार किया जाता है। पनीर बनाने के लिए आप सिंपल बॉइलिंग करते हैं और उसमें सिट्रिक एसिड, विनेगर या नींबू के रस से आप घर में उसे तैयार करते हैं। होटल में भी इसी प्रोसेस से वो बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीट कोएगुलेशन प्रोसेस। बॉइलिंग मिल्क में जब आप ये विनेगर या नींबू का रस डालते हैं तो जब जो मिल्क होता है वो कोएगुलेट हो जाता है, जिससे जिस प्रोसेस से पनीर तैयार हो जाता है। अब पनीर की कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू भी है, तो उसको हम आइए डिस्कस करते हैं। तो पनीर में जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं। आपके जो 100 ग्राम ऑफ पनीर है उसमें 72 कैलोरी आपका एनर्जी होती है। इसके साथ आपका जो वाटर है वो 93.5 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 3.4 ग्राम और प्रोटीन जो है 13 ग्राम होता है। इसके साथ साथ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के होता है। विटामिन बी में विटामिन B6 और B12 होते हैं। इसके साथ मिनरल्स में आपका कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारे जो आपके प्रेजेंट रहते हैं। अब आती है बात, इसमें फोलेट्स भी प्रेजेंट रहते हैं और इसके साथ साथ प्रोटीन तो रहता ही रहता है। तो ये सारे जो है न्यूट्रिटिव उसकी वैल्यू है। अब इतनी सारे न्यूट्रिटिव वैल्यू है इसके, इतने सारे इसमें पोषक तत्व प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है इसका कुछ हेल्थ बेनिफिट होता ही होता होगा। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है। जब आप बाजार से ऑलिव ऑयल या कुछ खास प्रकार के ऑयल लेते हैं कुकिंग के लिए, तो उसमें भी ओमेगा 3 ओमेगा 6 पाया जाता है, जो कि बहुत हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। तो वो पनीर में भी प्रेजेंट होता है। तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स में इसमें सबसे पहले जो है आपकी ब्रेस्ट कैंसर की जो रिस्क होती है वो रिड्यूस करता है। इसके बाद आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को रिड्यूस करता है। इसमें प्रोटीन बहुत मात्रा में है, इसका मतलब है प्रोटीन जो है वो आपके शरीर के लिए, निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है। इसके साथ मिनरल्स वगैरह हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ये आपके जो हेयर्स हैं, हेयर्स के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। हेयर में शाइनिंग, हेयर की स्ट्रेंथ, आपके बोन्स की स्ट्रेंथ, आपके जो मसल्स हैं उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना पनीर से बहुत ही खास तरीके से होता है। और इसके साथ साथ आप बच्चों के टीथ हो या बड़ों के हों उसमें भी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इसकी बहुत सारी जो है हेल्थ बेनिफिट्स हैं, यहां पर मैंने कुछ आपको यहां पर बता दी। अब बात आती है उसकी शेल्फ लाइफ की, मतलब वो किस कितने दिनों तक रहता है और उसको कैसे आपको प्रिजर्व करना चाहिए। जो पनीर होता है नॉर्मली जो है मिल्क प्रोडक्ट है, तो उसके खराब होने की जल्दी संभावना होती है। पनीर में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए जो माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा ये मीडियम है। इस वजह से पनीर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। नॉर्मली आप जब लाते हैं तो आप 1-2 दिन इसको फ्रिज में रखते हैं, अगर इसको पानी में डालकर रखा जाए तो ये ज्यादा समय तक रहता है। और अगर आपको और ज्यादा समय तक रखना है तो आपको फ्रीजर में रख के उसको फ्रीज करिए, उसके बाद आपको जिप वाले पैकेट में बनाकर आप इसको रख सकते हैं कुछ दिनों तक, 15 दिनों तक आप रख सकते हैं। और इसको फिर आप बाहर निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पर आप करके उसे नॉर्मल उसको यूज कर सकते हैं। अब जब आप जो पनीर है उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो कैसे आते हैं, अब देखिए जब आपने घर में बनाया तो उसमें ज्यादा हैंडलिंग हुई नहीं, तो उसमें उसको खराब होने में कम संभावना रहती है। अगर आपने बहुत ही हाइजीन उसमें
बढ़ती है तो। लेकिन जब आप होटल वगैरह में जाते हैं तो बहुत बल्क में बनाया जाता है, और अगर वो हाइजीन तरीके से नहीं बनाया गया है तो उसमें माइक्रोब्स आने की संभावना होती है। और होटल वालों की इक्विपमेंट जो होते हैं, उनका शेल्फ होता है, वर्कर्स होते हैं, उनकी पैकेजिंग होती है, स्टोरेज होता है, तो कहीं ना कहीं सब जगह वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं से माइक्रोब जो है उसमें आ ही जाता है और माइक्रोब की ग्रोथ उसमें हो जाती है और वो स्पॉइलेज का मुख्य जो उसका कारण होता है। तो इसलिए ये अच्छा रहता है कि आप घर में पनीर को बनाएं। और अगर आप बाहर से होटल से ले रहे हैं पनीर, तो उसको पहले देख लें कि वो किस प्रकार का पनीर है, या ऊपर से सख्त तो नहीं है, कोई स्मेल तो नहीं आ रही, स्पॉन्जी है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती। अगर ऊपर सख्त है, मॉइस्ट नहीं है, स्पॉन्जी नहीं है, तो आप उसे ना लें। जो उसकी क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, स्पॉन्जी रहे, एक स्मेल जो होती पनीर की वो बनी रहे, ये सारी क्वालिटीज उसको होना चाहिए। और बाहर से लाए हैं तो उसको जल्दी से जल्दी उपयोग कर ले। अब जैसे ये प्रोडक्ट जो पैकेट वाली जो पनीर आती है, तो ये बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होती है उसमें बनती है, तो उसमें जो पनीर रहता है, वो जो पनीर रहता है उसको प्रिजर्वेशन टेक्निक अपनाई जाती है, इसलिए वो थोड़ा अच्छे तरीके से वो मेंटेन हो जाता है, उसका उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, वहां पे प्रिजर्वेशन टेक्निक उसकी बनाई जाती है। अब उसमें प्रिजर्वेशन टेक्निक में ऐसा नहीं कि बहुत सारे एडिटिव्स डाल दिए गए हैं, उसमें प्रिजर्वेशन टेक्निक ऐसी जो टेक्निक अपनाई जाती है जो टॉक्सिक ना हो, जो ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक ना हो। तो प्रिजर्वेशन टेक्निक के द्वारा आप उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा देते हो और पैकेट में आप उसको देते हो, वो मार्केट में आता है तो प्रिजर्वेशन होता है उसमें। लेकिन नॉर्मली होटल में प्रिजर्वेशन नहीं होता है, या एक दो दिन का पनीर होता है या कुछ भी, तो उसमें क्या रहता है, आपको जल्द से जल्द उसे उपयोग कर लेना चाहिए। और कुछ उसको लेने से पहले आपको देखना चाहिए कि किस प्रकार का पनीर है, और घर में भी बनाए तो प्रॉपर हाइजीन के साथ आप पनीर उसको बनाए, उसको प्रिजर्व अच्छे से करें। अब उसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से माइक्रोब्स रहते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत सीरियस जो स्थिति ला सकते हैं। अब देखिए उसमें जो है माइक्रोब्स, ये सारी चीज आ गए। अब आप उसमें कौन कौन से माइक्रोब्स है, पहले बैक्टीरिया की बात कर लें, तो इसमें ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज जो है मेनली पाई जाती है, क्लैप्सियला भी इसमें पाया जाता है। ये जो मुख्य बैक्टीरिया है, ये पॉइजनस बैक्टीरिया है, ये फूड बॉर्न डिजीज कॉज करते हैं, और फूड बॉर्न जो डिजीज होती है बहुत ही हेल्थ कंडीशन बहुत सीरियस हो जाती है। इसके साथ साथ इसमें जो फंगस पाए जाते हैं वो भी, क्लेडोस्पोरियम, एस्परजिलस, जियोट्राइकम, ये सारी जो है ये आपकी फूड बॉर्न डिजीज कॉज करते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत हैजार्डस हो सकता है अगर आपने दूध से बनी चीजों का जल्द से जल्द इस्तेमाल नहीं किया तो। तो कुल मिला के आपका कंक्लूजन ये है कि पनीर को स्पॉइलेज से बचाने के लिए उसका जो हैंडलिंग है और उसका जो मेंटेनेंस है, स्टोरेज है, वो पूरी तरीके से हाइजीनिक होना चाहिए। पनीर ही क्या, किसी भी मिल्क प्रोडक्ट का जो मेंटेनेंस और हाइजीन है, स्टोरेज है, उसमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, तभी माइक्रोब्स की एंट्री रिस्ट्रिक्ट रहेगी और स्पॉइलेज होने से उसे बचाया जा सकता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने उसे बनाते समय प्रॉपर हाइजीन नहीं बरती, या होटल से लाके आपने उसको यूज कर लिया, तो उससे आपको बारी होने का खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये कुछ बातें थी पनीर से जुड़ी, और पनीर को आप इस्तेमाल करिए, सतर्कता से इस्तेमाल कीजिए। पनीर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, प्रोटीन की मात्रा, ओमेगा 3 की मात्रा, विटामिन, मिनरल्स सभी प्रकार के उसमें है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, और उसमें जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो बहुत ज्यादा है। ओवर ईटिंग मत करिए, और आप अपना ख्याल रखिए, और थैंक यू।